दिल से चाहने की मुझे सजा देते हैं Once more, once more, once more. दिल से चाहने की मुझे सजा देते मेरी शिकायत कर हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का एडिटिंग सीखने वाले हैं प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फोन में अपने फोटोज का तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ठीक है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा यहाँ पर देखिए जो लाइट मोशन एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा यहाँ पर नीचे देखिए प्रोजेक्ट मिल जाएगा इस पर चले जाना है इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाए कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे से इसे डाउनलोड कर लीजिए इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बीच बीच में मैंने टेक्स्ट जो है वो ऐड करके दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो मिडिल में स्पेस दिए गए हैं उसमें यहाँ पर देखिए फोटोज जा आ जाएंगी आपको सिंपली यहाँ पर जो बीट मार्क्स लगे हुए हैं उसमें यहाँ पर कुछ फोटोज को ऐड कर देना उसके लिए यहाँ पर प्लस पे चले जाना है मीडिया में यहाँ पर देखिए आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बीट मार्क पर आ जाना और इस फोटो को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे एक्सटेंड कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर ये यह फ़ोटो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होगी तो थ्री डॉट्स पर चले जाइए और फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक कर दीजिए इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आपको स्पेस दिख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको कुछ फोटोज़ को ऐड कर देना मैं यहाँ पर कुछ फोटोज़ को ऐड कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फोटोज़ को ऐड कर दी तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो स्टार्टिंग में एक बड़ी फोटो शो हो रही है इसमें एक अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बैक चले जाना उसके बाद ये जो शेक वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में उसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिलीज जो शेक इफेक्ट होगी इसे आपको कॉपी कर लेना है फोटो पर क्लिक कर देनी इफेक्ट्स पर जाना थी डॉट पर कॉपी इफेक्ट्स उसके बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे उसमें यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में एक बड़ी फोटो शो हो जाती है उस पर क्लिक कर दीजिए इफेक्ट्स पे जाइए थ्री डॉट पे और पेस्ट इफ़ेक्ट कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर ये जो आपकी बड़ी वाली फ़ोटो होगी इसमें ये वाली इफेक्ट लग जाएगी उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक लिरिक्स आ जाती है उसके बाद यहाँ पर और एक फोटो है ठीक है तो स्टार्टिंग के जो दो फोटोज होंगे उसमें यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है इसे लगा देना है ठीक है उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो फोटोज आ जाते हैं उसमें एक अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर बीट मार्क के पास आ जाना है प्लस पे चले जाना है मीडिया में चले जाना और यहां पर पिन लिखा हुआ शो रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहां पर आपके फोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे तो जिस भी किसी फोल्डर्स में ये जो ब्लैक स्क्रीन वाली जो मेंट होगी ऐसे ओपन कर लेना और यहाँ पर से ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन है इसे ले लेना है ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर देखिए लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मार्क पे आ जाना और यहाँ पर इस पर क्लिक कर जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर देखिए पोत वाली ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम कर देनी है अगर ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पे चले जाइए और फिर कम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए ठीक है तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग में चले जाना है और यहाँ पे डार्क पर चले जाना उसे कर लेना है मल्टीप्राई ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक स्क्रीन थी वो आपके फोटो में लग जाएगी फिर यहाँ पर ये जो सेकेंड वाली फोटो उसमें भी यही वाली इफेक्ट आ जाएगी उसके लिए इस पर क्लिक कर दीजिए आरओ के बाजू वाली ऑप्शन पे क्लिक कर कॉपी लेयर कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पिट मार्क पे जाकर आर के बाजू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कर पेस्ट लेयर कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो रिमिनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर फोर्थ वाली ऑप्शन पे क्लिक कर कर ट्रिम कर देना है उसके बाद यहाँ पर दो बड़ी वाली फ़ोटो शो हो जाएगी उसमें एक अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी उसके लिए बैक चले जाना है शेक वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और ये जो दिखे सेकेंड वाली जो शेक इफेक्ट होगी इसे कॉपी कर लेना फोटो पे क्लिक कर देनी इफेक्ट्स पे जाना थी डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स उसके बाद यहाँ पर बैग चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे उसमें यहाँ पर देखिए हमने कुछ फोटोज का इफेक्ट लगाए थे उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी बड़ी फोटो आ जाती है मिडल में दो तो उस पर क्लिक कर दीजिए इफेक्ट पर जाइए थ्री डॉट पर पे और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए ठीक है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा उसके बाद लास्ट में जो सभी फ़ोटोज़ है वो छोटे छोटे हैं तो ये वाली जो फोटोज़ है इसमें लास्ट और अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी उसके लिए बैक चले जाइए शेक वाली प्रोजेक्ट में ये जो लास्ट वाली जो शेक इफेक्ट है इसे आपको कॉपी कर लेना है फोटो पे क्लिक कर देनी है इफेक्स पे जाना है थ्री डॉट पे और कॉपी इफिक्स उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे उसमें लास्ट में देखो कुछ फोटोज रह गए थे छोटे छोटे तो उसमें यही वाली इफेक्ट को लगा देनी है आपको सिंपली फोटो पे क्लिक कर देनी है इफेक्ट्स पे जाना है थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट ठीक है मैं सभी जो फोटोज बाकी है उसमें ये वाले इफेक्ट को लगा देती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने फोटोज का तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी थैंक यू